Well, as you all can see, I am inside the Maruti Suzuki Impreza. और ये गाड़ी जो है जिसका हम करेंगे एक फ्यूल एफिशिएंसी रन, चला के देखते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट करी तो शीशा बाहर पर चला गया, एक बार ही देखेंगे। ये गाड़ी जो है इसकी रेंज अभी 307 दिखा रही है, हाफ टैंक से थोड़ा सा ऊपर है, इट्स रेगुलर मोर देन हाफ टैंक। 18 डिग्री है, आज वीकेंड है, तो हम शहर से गाड़ी को लेके जाएंगे हाईवे की तरफ। और अभी दिखा रही है 10.7, तो सपोज जीरो कर देंगे हम, जीरो कर देते हैं जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ। और ये गाड़ी सिर्फ 4300 के करीब चली है, तो इट्स नॉट रियली क्वाइट अ लॉट। एक बार सारे के सारे हम मीटर्स को जीरो कर देते हैं और उसके बाद तेल भरवाएंगे, तो आपको दोबारा दिखाएंगे कि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है। हम जब तेल भरवाएंगे तो इस गाड़ी को हम रखेंगे बिल्कुल कट ऑफ पे, ऑटोमेटिक कट ऑफ जहाँ पे होता है वहीं से भरवाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम चला रहे हैं गाड़ी को शुरू से या टॉप ऑफ अलग तरीके से करा रहे हैं। और हमारे साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे हैं एक छोटे मेहमान, इनको गाड़ी काफ़ी पसंद आई। चलिए पेट्रोल पंप चलते हैं, उसके बाद सारी बातें आपसे करते हैं। इससे पहले की फ्यूल एवरेज ये थी, रेंज ये दिखा रही थी, और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि करीब 300 किलोमीटर चली थी, तब ये रेंज ये दिखा रही थी। वेल, तो हमने टैंक अब फुल करा लिया और रेंज एकदम से बढ़ गई है, 450 किलोमीटर की रेंज हो गई है। अभी ये शायद और पड़ेगी जब हम गाड़ी को आगे ले निकलेंगे। वेल, तो अब मैं निकल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा की तरफ। मैंने आपको गाड़ी के सारे पैरामीटर्स बता दिए। रेंज इस वक्त दिखा रही है 446 की, 447-448 थी जब हमने गाड़ी स्टार्ट करी। और अब हम बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में से निकलेंगे, आपको ट्रैफिक की झलक दिखाता रहूँगा, कैमरा थोड़ा थोड़ा उस तरफ भी चलाऊंगा ताकि आपको ट्रैफिक की झलक मिलती रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ कैसे इंप्रूव हुई है कैसे नहीं हुई, तो अभी भी थोड़ा सा लैरिंजाइटिस का इफेक्ट है, अभी भी आवाज़ क्रैक हो रही है, तेज नहीं है। पर आई थॉट ये मज़ेदार सा वीडियो आप करके दिखाते हैं। आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं, NCR में रहते हैं, वो जानते होंगे कि जब आप वेस्ट दिल्ली से जाते हैं नोएडा की तरफ, तो आपको लेना पड़ता है रोड, और रोड पे यू विल हैव टू ऑफ कोर्स गो थ्रू धौलक कुआं, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर धौलक कुआं यू विल हैव टू क्रॉस द मोस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली थ्रू दैट ओनली वगैरह के पीछे से। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ इट इज फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे आप स्टक हो सकते हैं। आज वीकेंड है, इट्स सैटरडे टुडे फेब्रुअरी द 5th, तो वीकेंड पे हम गाड़ी को लेके चल रहे हैं, तो ट्रैफिक हो सकता है थोड़ा कम हो नॉर्मल डे से, बट यू नेवर नो कहीं पर भी क्या कम हो जाए, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब मैं बातें करता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाता हूँ दिल्ली की। इस गाड़ी में जो अच्छी बात है वो है बड़ा नॉइज का टच स्क्रीन, बहुत ही अच्छा टच स्क्रीन है ये, और इस पर अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी लिखता हूँ तो सब चीज़ें बड़े एफर्टलेसली हो जाती है, वेरी एफर्टलेस काइंड ऑफ टच स्क्रीन। और अभी मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ फिल्म सिटी, आई एम राइटिंग फिल्म सिटी बिकॉज फिल्म सिटी आगे का जो रास्ता है वो 20-25 मिनट का रास्ता, वो हाईवे का रास्ता है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे फिल्म सिटी ताकि हम शहर टू शहर एच टू एच पहुँच सकें। एनी वे, सब कुछ आपको रास्ते ही झलके दिखाता हूँ और प्रेजा के बारे में भी बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। टायर प्रेशर हमने चेक कर लिया, वी हैव केप्ट इट एट 36 PSI ऑन ऑल 4 टायर्स, हमने ना ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट किया है ना हमने कम किया है, तो जो कंपनी से कंडीशन आता है उसी के आसपास रखा है। और गाड़ी चलने में एकदम मक्कर है, 1.5 द अपडेटेड केस इंजन इज सुपर स्वीट, इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन। और अगर आप एक रिफाइनमेंट की बात करें तो इस गाड़ी को जब क्रूज करेंगे हाईवे पर, अभी जैसे करेंगे निकल के, तो ऐसा लगता है कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठे, इतनी शांत है और इतनी ज़्यादा आरामदायक है। एनीवेज, अब गाड़ी को चलाते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। Well, तो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ दिल्ली के, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली कैंट की तरफ से। और एक चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में आपको बता दूँ, माइल्ड हाइब्रिड टेक वाले सिस्टम है, जिसे स्मार्ट हाइब्रिड कहते हैं। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड जो सेटअप है, जो एक्स्ट्रा बैटरी है पीछे, वो गाड़ी को कट ऑफ बहुत जल्दी करता है, इंजन को बहुत जल्दी कट ऑफ करता है। कभी कभी आप सिर्फ रुकेंगे, ब्रेक लगाएंगे और आपको लगेगा कि कोई गाड़ी आ ना जाए, तो जैसे आप पंजा उठाएंगे
दिन में इंजन बंद कर देता है ये, तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो काफ़ी लोग इसे ऑफ करके चलाएंगे, लेकिन हाँ इसको ऑन करके हम आज गाड़ी चला रहे हैं। एंड डेफिनेटली नॉट ओनली इट हेल्प्स इन फ्यूल एफिशिएंसी बट ऑल्सो इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टॉर्क, जब आपको गाड़ी ओवरटेक करनी होगी स्लो व्हीकल के सामने तो वहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा टॉर्क आपको जरूर देता है। सो दैट्स ऑल समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस गाड़ी में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऑनेस्टली इससे फ़र्क पड़ता है एफिशिएंसी में भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। और जल्दी से मैं इस ट्रैफिक से निकलूँ, आप ये धुआ कीजिए, ट्रैफिक लग रहा है कि अभी थोड़ा आगे तक 2-3 किलोमीटर तक मुझे मिलने वाला है। वेल तो ये फेमस दिल्ली कैंट के अंदर का ट्रैफिक, और आप देख सकते हैं कि सैड है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली ट्रैफिक कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक वहीं कम वहीं है। तो चलिए ट्रैफिक को निगोशिएट करते हैं, निकालते हैं। लेकिन हाँ ये है कि इट्स मूविंग है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, बट एटलीस्ट इट इज़ मूविंग, सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव। लेट्स सी आगे हमें क्या मिलता है आज ट्रैफिक का, और कहीं हम फंसते कहीं भी फंसेंगे तो एफिशिएंसी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी, और अगर नहीं फंसेंगे तो एफिशिएंसी ठीक ठाक रहने वाली है। वेल तो हम क्रॉस कर रहे हैं बीकाजी का प्लेस, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, और जो मैप है वो कह रहा है कि हम 24 मिनट में 16 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज, तो एवरेज स्पीड भी काफ़ी ऊपर है, खाली है। एक पॉजिटिव मैं आपको गाड़ी चलते हुए बता देता हूँ, वेल वो पॉजिटिव ये है कि जो एक गाड़ी है ये बहुत ही अच्छी है कम्फर्ट के मामले में। इसकी सस्पेंशन जो है पैसा की वेरी गुड, पिछली वाली की भी अच्छी थी लेकिन इसकी एक लेवल अप है। इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड और बहुत ही एफर्टलेस है, और ये गाड़ी चलाने में भी काफ़ी एफर्टलेस है। 6-speed का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, ऑटोमेटिक वर्जन है, इससे पहले कि आप कहें कि आप कौन सा वर्जन चला रहे हैं। और मेरे हिसाब से टॉर्क कन्वर्टर्स आर द बेस्ट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल। MT में आपको ऐसे झटके लगते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स क्लचलेस मैनुअल होता है, ट्रैफिक के आगे कुर्सी वार्निंग, तो जो MT होते हैं उनमें झटके लगते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लचलेस मैनुअल होता है वो, और जो 7-speed या 8-speed या 6-speed DCT होते हैं डुअल क्लच, उनके अंदर कुछ ना कुछ इशू आते हैं, तो वो महंगे भी होते हैं और वो झटके भी कभी कभी मारते हैं। और जो CVT होता है वो शोर बहुत करता है, आपकी गाड़ी के रेव्स बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस होती रहती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं गियर बॉक्सेस में, उनकी कमियां हैं। लेकिन जो एक टॉर्क कन्वर्टर है जैसे कि इस गाड़ी में है, आई थिंक इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ गियर बॉक्स एंड डेफिनेटली इट्स अ गियर बॉक्स व्हिच मोस्ट कार शुड हैव। इट्स वेरी एफर्टलेस, वेरी स्मूथ, और जो ये वाला गियर बॉक्स सुजुकी का मारुति सुजुकी जो गियर बॉक्स है बहुत ही चुम्मा गियर बॉक्स है, एफर्टलेस शिफ्ट से बोथ अप एज वेल एज डाउन, और यहाँ से पैडल शिफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी बहुत ही मिलीसेकंड्स के अंदर गियर्स चेंज हो रहे हैं, अब फंस गए ट्रैफिक में। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ आपको इस गाड़ी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बताते रहूँ, और ऑफ कोर्स स्पेशियस तो ये है ही, प्रेजेंस ऑलवेज बीन स्पेशियस कार, आगे भी स्पेस अच्छा है, पीछे भी स्पेस अच्छा है, तो उस चीज़ में भी गाड़ी शुरू से अच्छी रही है। इट डजंट रियली फील लाइक अ कॉम्पैक्ट SUV, अंदर से अगर आप बैठेंगे और आप पिछली जनरेशन की क्रेटा बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रफली स्पेस के मामले में एग्जैक्टली दोनों गाड़ियाँ सेम ही है, पिछली जनरेशन दिस जनरेशन अगली जनरेशन द क्रेटा, इवन दो दैट कार इज बिगर एज अ लार्जर सिलुएट, अंदर से ऐसा लगता है कि इस जनरेशन की प्रेजा पिछले क्रेटा में अंदर स्पेस वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम तो नहीं ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये बड़ा खुला खुला ओपन कैबिन है। आई थिंक इतना खुला खुला कैबिन किसी और कॉम्पैक्ट SUV में इस प्राइस पॉइंट पर नहीं आता, जितने भी इसके राइवल्स हैं वो इतना खुलेपन का एहसास आपको नहीं देते। तो आई थिंक मारुति सुजुकी इंजीनियर्स हैव डन अ गुड जॉब, डिजाइनर्स हैव डन अ गुड जॉब, एंड फॉर ऑल द प्लास्टिक्स इनसाइड दिस कार आर आल्सो क्वाइट गुड। वेल एक चीज और अच्छी इस गाड़ी की जो मैं आपको अभी से बता दूँ वो ये है कि अगर आप देख सकते हैं कैमरा में तो बॉनेट लाइन पूरी आपको दिख रही है यहाँ से, और ये ड्राइवर आए को विजिबल है, तो गाड़ी के सारे
कोने आप देख सकते हैं आगे से। और इस वक्त तो मैंने ये डिस्प्ले बंद कर रखा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको अपनी नज़र हर बार हटनी नहीं पड़ती है। तो आप रोड की सीध में जब देखेंगे तो यहाँ पे एचयूडी डिस्प्ले आपको दिख जाएगा, तो उसके अंदर ही आप देख सकते हैं गाड़ी के मेन यू नो स्टैटिस्टिक्स कि गाड़ी चल कैसे रही है, हालिज वगैरह क्या है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया बॉनेट लाइन का दिखना ये सबसे अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अभी एक छोटी गाड़ी से ग्रेजुएट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट इनसाइड द मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। वेल मैंने सोचा चलते चलते आपको एक बात और बता दूँ, जो स्कोडा हैरिस जा रही है ऑक्टेविया, ये जो कलर है ये बहुत ही अच्छा लगता है, गाड़ी भी अच्छी है, बड़े जो रंग है ये बहुत ही आलीशान है। इनफैक्ट आई थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलर्स ऑन एनी कार, लेकिन बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर इस कलर में गाड़ी देते नहीं है। तो जो लोग देते हैं उनको हैट्स ऑफ, और जो लोग नहीं देते हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये वाला कलर देना बंद क्यों कर दिया, क्या कलर मेंटेन करने में टफ है या फिर और कोई रीज़न है लोग इस कलर को देते नहीं है, आप मुझे कॉमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। एनीवेज अभी ट्रैफिक को और मनोवर करते हैं। वेल तो अभी हम हैं भारत के ऊपर, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाया था और आप देख ही सकते हैं कि हम बिल्कुल एफर्टलेसली चल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हाईवे रन की तरह हो गया है, विद अ लिटिल बिट ऑफ सिटी मिक्स्ड इनटू इट। तो एनीवेज भी देखते हैं फिलिपिज वगैरह क्या निकलती है, थोड़ा सा गाड़ी को और चलाते हैं और फिर देखते हैं कि फिलिपिज ये लग रहा है काफ़ी अच्छी निकलने वाली। लेकिन आमतौर पर अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं और आप वीकेंड निकलते हैं बाहर तो इसी टाइप की फिलिपिज आपको ये प्योर सिटी या प्योर हाईवे का हम एक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक मिक्स टेस्ट है। और एवरेज स्पीड मैं 50-60 पर ही रख रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ ताकि जो एवरेज स्पीड होती है शहर में सिटी के अंदर उसका आपको एक आइडिया हो जाए। एनीवेज अभी गाड़ी चलाते हैं और आपको दिल्ली के नज़ारे और दिखाते हैं। ऑफिशियली फ्रंट एंट्री कर रहे हैं वंस यू क्रॉस द होल, ये होल तो ऐसे ऑफ है काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल से 10-11 सालों के बंद हुए, लेकिन हाँ एक ऑफिशियल तरीके से आपके दिमाग में आ जाती है कि अब आप दिल्ली छोड़ चुके हैं, नोएडा यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं। वेल ये है दिल्ली का फेमस फिल्म सिटी और यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडियोज़ हैं, आज तक और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उनके सबके स्टूडियोज़ के अंदर ही हैं पीछे। तो ये है नोएडा का फेमस या दिल्ली का फेमस फिल्म सिटी और न्यूज़ चैनल सिनेमा हाउस और बड़े बड़े हर सारे के सारे यहीं पर उनके दफ्तर हैं, तो यहीं पर उनके ऑफिस वगैरह लोग यहीं सब बैठते हैं। वेल तो अब हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर और इस गाड़ी की क्रूज कंट्रोल को मैंने सेट कर दिया 75 की स्पीड पर। और एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, ऑटोमेटिक पिछले में 4 स्पीड आता था और उसका बेनिफिट ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हाईवे के ऊपर काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अभी हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 80 पे, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं 80 पे कर देते हैं लीजिए, और 80 की स्पीड पर 1500 RPM के आसपास है इसका जो रेव काउंटर, हो सकता है 1500 थोड़ा सा नीचे ही हो, 1450 पे हो शायद। तो उससे जैसे मैंने पहले कहा शांति कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट यू डोंट फील लाइक यू सिटिंग इनसाइड पेट्रोल पावर्ड कार, 1.5 पेट्रोल है गाड़ी, ऐसा लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बैठे हुए हैं एक नॉर्मल ईवी के अंदर। जी हाँ, ईवी जैसी शांति है एंड इट्स ओनली व्हेन यू रियली हैव इट हार्ड। अगर आपको इसकी एम को 3000 के ऊपर चाहेंगे तब इंजन से थोड़ा सा शोर शराब आता है, तो लोगों के लिए जो गाड़ी को हाईवे पे लेके चलते हैं जो हाईवे पे ज़्यादा रहते हैं आई थिंक दे विल आल्सो रियली एंजॉय देयर एक्सपीरियंस इनसाइड दिस कार एंड दे विल रियली एंजॉय द मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा।
दैट इज का नाम ऑफ ब्रेजा, नीज ब्रेजा ही है, तो रियली एंजॉय द ब्रेजा क्योंकि विटारा तो अब दूसरी वाली आती है, तो ग्रैंड विटारा। हेल तो लोग ऊपर नहीं चढ़े मून एक्सप्रेसवे पे, हम लोग नीचे ही हैं, मतलब है नीचे हूँ हम लोग, क्या मेरे साथ कोई और तो है नहीं, मैं अकेले ही हूँ, तो पहले चढ़ा मैं नीचे की तरफ ही हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ शूट लोकेशन पे, आज MG हेक्टर का हमारा शूट है, तो उस लोकेशन पे हम इस गाड़ी को आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरी टीम गाड़ी को पहले से ही शूट कर रही है। वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह कैसी है इस गाड़ी की। अभी हम पेट्रोल नहीं पाएंगे, वापस आते हैं राइड। अभी ये गाड़ी जो है करीब 60 या 70 किलोमीटर चली होगी, जब पहुँच चुका तो वापस आएंगे उसी रूट पे और फिर एक एवरेज देखेंगे कि कितनी है, तो फिर एवरेज गाड़ी की निकल जाएगी। और ये चीज़ की हिम्मत करा करिए, जैसे ये लोग आ रहे हैं सारे के सारे रॉन्ग साइड से, बीच में से गोल चक्कर काट के, ये चीज़ आप ना करें तो अच्छा है क्योंकि ये सेफ नहीं है। 50 मीटर 60 मीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चला लें कितनी लगेगी, मुश्किल 30 सेकंड, और तो 20 सेकंड 30 सेकंड जाने के चक्कर में खुद की जान को भी खतरे में डालते हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं, तो ये सब चीज़ें करना इतना काम नहीं है, और वैसे भी इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। हेल तो हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गया हूँ जहाँ पे हमारी दूसरी गाड़ी शूट हो रही है, और अब हम चल के देखते हैं उन लोगों को, हमारे कैमरामैन वगैरह को। फ्यूल एफिशिएंसी जैसे मैंने बोला अभी हम चेकआउट नहीं करेंगे, वो चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन तब भी एक बार जाके हम देख लेते हैं। और एक बारी मैं देखे दूर आपको दिख रही होगी गाड़ी खड़ी हुई है, दैट इज ऑफकोर्स दी न्यू MG हेक्टर अपडेटेड MG हेक्टर इज ओवर देयर, और है आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर कि ये 63 किलोमीटर गाड़ी चली है जब से हमने पेट्रोल भराया था इसमें, तो इट्स डन 63 किलोमीटर्स एंड ऑफकोर्स फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रही है 11:30 की, और ये कितनी देर में चली है, वेल जब मैं घर से चला था तो उस टाइम पे 11 बज रहे थे, 11:10 थे, तो 1 घंटे 10 मिनट में चलाया है, तो एवरेज स्पीड वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं 11 की किलोमीटर दिखा रही है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, देखिए 23 की एवरेज स्पीड आ रही है और 1 घंटे 24 मिनट ये गाड़ी मैंने चलाई है अभी तक, तो ये आप याद रखना, ये सब चीज़ें हम लोग अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर ऐड करके आपको बताएंगे। चलिए अब गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वापस जब चाहूँगा तो ये डबल हो जाएगा, करीब 130-140 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद एफिशिएंसी वगैरह हम निकालेंगे। वेल तो जैसा आपने देखा करीब 750 लीटर करीब तेल गया, लेकिन गाड़ी 150 किलोमीटर चली है, 140-142 करीब चली है, तो करीब करीब 19 की फ्यूल एफिशिएंसी है, लेकिन जो आज ट्रैफिक था बिल्कुल भी नहीं था, हम एक मिक्स साइकिल में गाड़ी चला रहे थे और ज़्यादातर हमने हाईवे पे चलाई, जो एवरेज स्पीड थी सवेरे 24 की दिखा रही थी, और अगर हम बात करें अभी की एवरेज स्पीड की तो अभी आ रही है 23 की, तो अभी भी इफ़ यू सी 12:30 की रेंज ये गाड़ी ऑन बोर्ड ट्रिप मीटर पे दिखा रही है, बट व्हेन यू रियली एड अप ऑल दी यू नो डिसाइड कितने लीटर पेट्रोल गया है और डिवाइड वगैरह करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो पेट्रोल और माइलेज अगर कैलकुलेट करें 142 किलोमीटर के हिसाब से तो इट्स शोइंग करीब करीब 20 की माइलेज, विच इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो 20 की माइलेज अगर रियली जेन्युइन वर्ल्ड कंडीशन में आ रही है, ठीक है हमें ट्रैफिक कम मिला, हम एक दो जगह पे स्टक हुए, तो आई थिंक अगर आप इसको हाईवे पर ले जाएंगे तो 23-24 आराम से निकाल दी। क्लेम फिगर के पास ये गाड़ी बहुत है, एंड आई थिंक दैट शोज यू व्हाई मारुति सुजुकी कार्स आर सो फेमस एंड सो हिट विद ऑल बायर्स अक्रॉस इंडिया। और ये जो गाड़ी है जो प्रेजा है, आई थिंक इज द परफेक्ट अर्बन कार, नॉट द SUV, परफेक्ट अर्बन कार फॉर अर्बन सराउंडिंग्स। इसका साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, कंट्रोल जो है हल्के हैं, बैक सीट में स्पेस अच्छा खासा है, जैसा आप अभी देख सकते हैं मैंने स्वेटर रखा है, लेकिन वैसे भी आप स्पेस दे सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है और वैसे भी इट इज़ द परफेक्ट साइज कार, तो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ दिस कार, आई थिंक इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV दैट यू कैन बाय एट द मोमेंट। हालिज भी अच्छी, फीचर्स भी अच्छे खासे, स्पेस भी अच्छा खासा, चाहने भी काफ़ी अच्छी। एनीवेज गाइस इज बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और ये जो यहाँ पे दिखाता है ऑन बोर्ड ट्रिप कंप्यूटर, इसको हमेशा भरोसा मत किया करिए। 7.5 लीटर के हिसाब से करीब 143-143 किलोमीटर गाड़ी चल गई, विच इन इटसेल्फ इज़ ब्रिलियंट एंड जस्ट गोज़ टू शो यू व्हाट अ फैंटास्टिक पैकेज द ब्रेजा रियली इज।
really is. See you in the next video very soon.